हमारे रोड पर भी खुल गया ये द फेमस सोना मिठाई वाला। इस तरह से कैसे सेल लगी हुई है, दिस इज ऑफ 250 रुपीज। आप लोगों के लिए है एक बहुत बड़ा सरप्राइज, मेरे लिए भी है। वी विल फाइनली मीट अ यूट्यूबर। हे यू गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड आर अनदर व्लॉग। तो आज ना मैं शाहदरा का एक ऐसा मार्केट एक्सप्लोर करने जा रही हूँ जो कि मतलब मेरे को अभी तक कोई भी वीडियो उसकी मिली नहीं है। एंड ये मेरे घर से तो बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ हम वॉकिंग पे कवर कर लेते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं ना तो आप इजीली मेट्रो से ट्रेवल करके शाहदरा मेट्रो स्टेशन पर तो उतर सकते हैं। एंड रोड क्रॉस करने के बाद रिक्शाज खड़ी होती हैं बहुत सारी, आप उनको बोल दो कि हमें रोहतास नगर जाना है तो दे इजीली ड्रॉप यू इन जस्ट ₹10 पर पर्सन। तो दिस इज़ द वे यू कैन कम टू दिस मार्केट। तो कुछ ऐसा है ये पूरा बाज़ार, एक बहुत लंबी सी रोड है जिस पर शॉप्स हैं और बाहर थड़ी वगैरह भी लगती है सेल के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट शॉप जो कि गंभीर ब्यूटी कलेक्शन करके, तो मुझे यहाँ से कुछ एसेंशियल्स लेने थे, आई बॉट देम। और तो आप यहाँ से ले सकते हो काफ़ी कॉस्मेटिक्स एंड एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम हियर। जस्ट अपोजिट टू हीरा बीकानेर नमकीन ना, थोड़ा इधर आकर ये एक नाम दिखाते हैं उनका, या विनायक कलेक्शन की शॉप है। और यहाँ पर ना इस तरह से क्या बोलते हैं सेल लगी रहती है। एंड लुक एट दिस, दीज आर ऑफ 250 रुपीज में ये कुर्ती। एंड दे आर हैविंग लिटरली बहुत अच्छा इनका कलेक्शन होता है, लुक एट दिस। तो अगर आपको कचौड़ी खानी है ना तो ये हीरा बीकानेर नमकीन कचौड़ी वाले, इनकी कचौड़ी बहुत अच्छी है, 30 रुपये पर प्लेट देते हैं ये। और इनके यहाँ की नमकीन भी बहुत अच्छी है, लाइक मतलब जब से मैं छोटे से यहाँ पे आ रही हूँ इन्हीं के पास, अंकल के पास नमकीन लेने, इनकी नमकीन बहुत अच्छी हैं। लेने वाले हम यहाँ से क्या प्लेन भुजिया, ये देखो इनकी कचौड़ियाँ, उस साथ ही आलू की सब्जी देते हैं। अगर आपको हीरा स्वीट्स से मिठाई लेनी है तो ये दो दुकान छोड़कर ना वहाँ पर है हीरा स्वीट्स की शॉप मिठाई वाली, तो वहाँ की इमरती और वो बीकानेरी काइंड ऑफ बर्फी होती है खोए वाली, वो बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करना अगर यहाँ पर आ रहे हो। इमरती बहुत अच्छी है, बालूशाही मुझे थोड़ी सी पर्सनली कम पसंद है बट अच्छी है वो भी। दिस इज़ मॉडर्न ब्यूटी सेंटर, एक शॉप है ये, और यहाँ पर भी हम मतलब ये पूरा मार्केट ऐसा जहाँ पर बचपन से आती हूँ। तो इस शॉप पे ना आपको ऐसे स्टार्टिंग में भगवान जी की ये सब सामान मिल जाएगा, एंड अंदर जाकर आपको लेसेस और बटन्स और मतलब सारी जो एसेंशियल्स वाली चीज़ें हैं ना जो कपड़ों पे या ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं या भगवान जी की हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये है अग्रवाल बर्तन स्टोर, और इन पे भी ना मतलब अगर आपको कुछ भी ऐसा बर्तन से रिलेटेड लेना है, क्रॉकरी से रिलेटेड, तो अच्छा सामान मिलता है। अभी शायद इन्होंने यहाँ पे ना बाहर सेल लगाई हुई है, देखते हैं, पूछो तो। सेल लगाई हुई है क्या? हाँ हाँ सेल में होती है। सेल में भैया कितने का है? 250 का है। दिखाओ जो लिखा है वही रेट है। दिस इज़ ऑफ 250 रुपीज़। ये कितने का? 200 रुपये। ये 200 ही टू, ये अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। मम्मी अभी मेरे कानों में काना घुसी कर दी थी, ये जो हमने मंगाया था उससे अच्छा लग रहा है। ये छोटे वाला इन्होंने 200 का, काफ़ी अच्छा अच्छा सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेल पे। और देखो कुछ ये वाले बॉक्सेस देखना, एक सेकंड
ये वाला है, बट दिस इज अ 170, बट ये ना मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है। दिखाओ बॉक्स तो दिखाओ, वो दिस बॉक्स ऑफ 150। पूरे मार्केट में ना आपको इस तरह से ऐसे बाहर बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जिसमें से लगा होगा बाहर सामान। लुक एट दिस, ये वाला अच्छा लग रहा है। ये कितने का आंटी? ये पिंक वाला 350। और ये सामने एक शॉप है गुप्ता जनरल स्टोर, इससे भी मैं यूजुअली अपना मतलब एसेंशियल्स और कॉस्मेटिक्स जो भी लेना होता है, ये बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ से भी आप ले सकते हो। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस बाके बिहारी मेगा स्टोर, यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, मतलब जो भी आपको अपना घर के लिए चाहिए या कैसे भी, तो वो यहाँ पर ऑफर प्राइसेस पे भी मिलते रहते हैं। उसके बाद ये सामने ये श्री साई क्रॉकरी करके शॉप है, इनका जो क्रॉकरी है ना सीरियसली बहुत अमेजिंग है, और मुझे वैसे ही बहुत पसंद है क्रॉकरी, तो बहुत सुंदर सुंदर इन पर क्रॉकरी मिलती है। मर्जी है, चलो चलना है तो खैरियत जाऊँ क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग आपका हो रहा है। हंसना था अच्छा लगता है। और उन भैया ने कर दिया मेरी बेइज्जती, ये बोलकर कि वीडियो नॉट अलाउड मैडम। तो ये सामने इसके प्रेम पंजाब है, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मतलब अभी तुम थोड़ा सा कम खाते हैं यहाँ से, बट अच्छा मिलता है। और ये कॉस्ट शूज की शॉप दिख रही है, इनसे मैं दो तीन शूज़ ले चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये वाली शॉप, इनके प्राइसेस भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी शॉप है। ये अग्रवाल पेठा स्टोर, तो इनका पेठा बहुत फेमस है और उसी से बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, और यहाँ के भी ना केक्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको केक बनाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ें चाहिए तो ये वाली शॉप बहुत अच्छी है, दिस इज़ वाइट एंड ब्राउन बेकर्स, ये वाली शॉप बहुत अच्छी है। यहाँ पर केक बनाने से रिलेटेड भी सारी चीज़ें मिलती हैं, मैंने जब केक सीखा था मैं यहीं से सारी चीज़ें लेती थी। तो नाउ लेट्स मूव फर्दर, यहाँ पे ऐसी बाइक के कारें चलती रहती हैं और हमें चलने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, मतलब वैसे इतनी भी दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक है। बीच बीच में आपको ऐसे बहुत सारी रेडियाँ मिल जाएंगी जिसपे आप फ्रूट्स वगैरह सब्जियाँ वगैरह ले सकते हो। और हाँ, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे ना बहुत सारे शॉप्स के बाहर आपको ऐसे कुर्ता सेट्स की शॉप मिलेगी, जिसमें किसी किसी में दुपट्टा होता है, किसी किसी में नहीं होता है, और दे कॉस्ट अराउंड 400-500 to 600, उससे ऊपर भी बढ़ जाते हैं अगर आप कुछ ऐसा कढ़ाई वाला लेते हो तो। एक शॉप है राधिका हैंडलूम, इस पर ना बेड शीट्स, कवर्स, टेबल कवर्स, कुशन सारी चीज़ें मिलती हैं, और कर्टेंस वगैरह सब बहुत अच्छे प्राइसेस पे। एंड उसके बाद इधर ये चुन्नी वगैरह वगैरह वाली शॉप है, और अंदर जाकर ना एक शॉप है चुन्नियों की वगैरह की, जिसमें आप मैच में लाकर पूरा दुपट्टा वगैरह ले सकते हो, तो बहुत अच्छी शॉप है काफ़ी। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो जी। और ये हमारे ना इधर मार्केट वाले थोड़े ऐठू से हैं, हर कोई ये बोलते हैं नहीं वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। सारी इस तरह की क्रॉप टॉप्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आपको बॉयज़ की शॉपिंग करनी है ना, तो यहाँ पर अंदर जाकर ये छोटा पालिका बाज़ार है, यहाँ पे आपको पूरा ऐसे ना गली में मेंस कलेक्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं और इनके प्राइसेस भी अच्छे हैं। तो अभी चलते हैं वापस, क्योंकि हमें मेंस क्लोथिंग तो लेनी नहीं है। तो वापस जाते हुए यहाँ पर सामने बिल्कुल दिख रहा है आपको पारस दुपट्टा वाला, तो ये बहुत फेमस है यहाँ पर डाई वगैरह करने के लिए और दुपट्टास के लिए, सूट भी इनके पास होते हैं, पीको और मतलब जो भी ये चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें इंटरलॉक वगैरह ये सब करते हैं। तो इनके पास अभी हम जाएंगे, 20% ऑफ है इन पे डिज़ाइनर सूट्स इनका, देखते हैं। देखो जी इनके डिज़ाइनर सूट्स, दुपट्टास, तो रोहतास नगर में ना स्टेशनरी की सबसे ज़्यादा फेमस शॉप है ये जीवन बुक डिपो, तो यहाँ से आप सारा स्टेशनरी का प्लस एनसीईआरटी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें ले सकते हो। उधर मेरे को कुछ लेना नहीं, तो इसलिए मैं उधर जा नहीं रही हूँ अभी। आप इस तरह से कैसे सेल लगी हुई है, 100 रुपये की, 650 रुपये की, 500 रुपये की, अलग अलग तरह से सूट की और टॉप्स वगैरह सारी चीज़ों की, इस तरह सूट की सेल वगैरह मिल जाएंगी काफ़ी सारी शॉप्स के बाहर। इनका ना अंदर का ही माल होता है जो कि ये बाहर रख देते हैं, तो इस तरह का भी होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ना कॉर्नर पे ये शहादी हट्टी, लट्टी शहादी हट्टी है, ये बहुत फेमस शॉप है, यहाँ के ना कबाब, समोसे, ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे हैं, यू मस्ट ट्राई। अन्नपूर्णा शॉप है जहाँ पे हमने ना ये पापड़ी चाट ऑर्डर की है, लेट्स ट्राई दिस। कॉर्नर है मेरे बचपन की यार, छापड़ा जूस एंड शेक्स, पहले ना मैं बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे यहाँ पे जूस और शेक भी निकले, अच्छे भी हैं, बट
मुझे ऐसा फील होता है पहले जितने अच्छे नहीं रहे। और ये लेन में ना काफ़ी सारी शॉप्स हैं, आप इनको भी विजिट कर सकते हो। हम यहाँ से पहले बहुत सारा सामान लेते थे बट अभी शॉप्स बदल गई हैं तो यहाँ पर इतना नहीं जाना होता, बट हाँ काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इन शॉप्स में भी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सूट्स देखो, ये आपको हैवी हैवी सूट्स मिल जाएंगे। सूट्स इस तरह से यहाँ पे ऐसे बैग्स की शॉप भी मिल जाएगी। 200-250 काइंड ऑफ इनके प्राइसेस होते हैं। दोबारा से इधर एक बैग की शॉप, पर ऐसे बाहर बहुत सारी शॉप्स आपको लगी हुई दिख जाएंगी। गुप्ता मोबाइल सॉल्यूशन ऑल मोबाइल रिपेयरिंग, इधर से ये वाली गली जा रही है और इस गली में ना आपको सारे फ़ोन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे फ़ोन कवर्स और मतलब स्क्रीन गार्ड वगैरह सारी चीज़ें इस गली में बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर मिल जाएंगी। और इस तरह ना आपको ऐसे मेहंदी वाले भी वैसे मिल जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। हमारे रोड पर भी खुल गया है ये द फेमस सोना मिठाई वाला, आप इसके स्नैक्स भी ट्राई कर सकते हो और मिठाई तो है ही इसकी लाजवाब। और स्नैक्स में भी ना आप छोले भटूरे वगैरह बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, और इनके पास ना ऑफर भी चलते रहते हैं बाय वन गेट वन फ्री के, तो यू मस्ट विजिट दिस शॉप ऑल्सो। हमने ना सोना से ही आइसक्रीम लिया और ये स्कूप आपको 40 रुपीज़ का मिलेगा। एंड ये मुझे इसका फ्लेवर नहीं पता कौन सा फ्लेवर पता चला, बट ये बहुत टेस्टी आइसक्रीम है, यू शुड ट्राई दिस। ये हमने ऑर्डर किया है मेगा क्रंच सैंडविच एंड देखने में तो बहुत टेम्पटिंग सा लग रहा है, अभी खा के देखते हैं कैसा लगता है। सोना से आगे ना फिर ये सारे यहाँ पर शोरूम्स हैं, कैंटाबिल, हैंडलूम हाउस और कॉब और बाकी सारे शोरूम्स अभी इधर ही हैं आगे जाकर। एंड यस, हमारे इस रोड पर एक ये अमर बेकरी और नई खुली है, मतलब शाहदरा की साइड थी पहले, अभी इधर भी खुल गई है अमर बेकरी। अमर बेकरी तक तो हम नहीं जाएंगे आई गेस। ये लिटिल हार्ट करके ना गिफ्ट्स गैलरी की शॉप है, ये भी बहुत अच्छी है, तो अगर आप यहाँ पर भी कुछ ऐसे गिफ्ट से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। एंड यहीं से आगे जाकर ना राइट हैंड साइड होते ही वो शिवाजी पार्क आ जाता है, शिवाजी पार्क गोल चक्कर, वहाँ पर एक लखपति करके है, उनका सामान भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम तो जा रहे हैं घर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग एंड आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वी विल मीट इन आर नेक्स्ट व्लॉग। मैं अभी नहीं बोलने वाली क्योंकि उससे पहले आप लोगों के लिए है एक बहुत बड़ा सरप्राइज, मेरे लिए भी है। वी विल फाइनली मीट अ यूट्यूबर, मतलब सिंस दिस जर्नी, मैंने जब से ये जर्नी स्टार्ट किया कभी मैंने नहीं सोचा था आई विल मीट अ यूट्यूबर। तो इन नेक्स्ट वीडियो हम एक यूट्यूबर से मिलने वाले हैं, ऐसा यूट्यूबर जिनका अभी प्ले बटन आया है, सिल्वर प्ले बटन। तो गेस करो कि हम किससे मिलने वाले हैं। एंड यस, इतना हिंट दे देती हूँ, सरनेम सेम है। एंड कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रहा है, मतलब कुछ भी जो भी आपकी गेसेस है ना कमेंट कर बताना। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू मीट हिम एंड सीरियसली वो वाला व्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो ये वाला व्लॉग के बाद वो वाला व्लॉग जरूर देखना। सो फॉर स्टेइंग ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लेना एंड वी विल मीट इन आर नेक्स्ट व्लॉग।